सो फाइनली काजा पहुँचने के बाद वे गॉट रूम इन रेस्ट हाउस. फ्रेंड था उनके लाइजिंग से एक रूम मिला. अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है. दिखाता हूँ रूम आपको. फायर प्लेस है, बट अभी लकड़ी नहीं है बोलते हैं, बट एनी हाउ वॉशरूम इज वेरी स्पेशियस. गीजर लगा है. और हम लोगों ने क्या था कि अपने अपने स्लीपिंग बैग लाए थे. हमने 3 स्लीपिंग बैग लाए थे, क्योंकि इस सीज़न में जब भी ट्रैवल करना होता है तो ऐसा एक इक्विपमेंट अपने साथ गाड़ी में तो था, तो हमने डाल के रखे थे तीनों ने. वो भाई का स्लीपिंग बैग -30. भाई को तो गलती की, यहाँ ला के आपको तो ऊपर भेजना चाहिए था. सियाचिन नहीं, आपको हमारे को ना कहाँ रियो पुरगिल भेजना चाहिए था. बोला था वापसी में ले लेंगे आपको. Type 3 रेस्ट था, उसकी कैटेगरी है. 3 रूम्स है यहाँ पे. किली हुई है, गॉट 1 रूम. ऑक्यूपेंसी नहीं है, थोड़ा सीजन ऑफ चला है. यहाँ सामने बिल्कुल ही जो सामने लाइट्स दिख रही है, दिस इज द रेस्टोरेंट. यहाँ डाइनिंग फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ अभी रेस्ट हाउस में थोड़ा किचन में कुछ प्रॉब्लम है. अभी बाहर का वेदर भी साफ है, तारे दिख रहे हैं, तो नो चांस ऑफ स्नो, नथिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन हियर एट काजा. ये अब जाएंगे रेस्टोरेंट में, वहाँ थोड़ा कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको किस तरह की फैसिलिटी है, कैसा खाना है. विल गिव द रिव्यू. ओह सिम्बा भाई, इनके खौफ से कौन ही आएगा यहाँ पे. ओह दे आर स्निफिंग मी. ओ ठीक है भाई, सुन ले सुन ले सुन ले. सो राइट नाउ आई एम इन द कैफ़े, बिल्कुल रेस्ट हाउस के सामने है. कैफ़े बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब जस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पीति. मतलब यहाँ पर लाइब्रेरी सेक्शन भी है, वीडियो में देखेंगे आप. और बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स जो है, प्रसन्नजीत यादव है, 2005 नेशनल जियोग्राफिक NCF & HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनकी कोलेबोरेशन से है, जो इन्होंने अलग अलग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की है, उसका भी कलेक्शन बहुत अच्छा है. यहाँ पे ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा इनका एम्बियंस है. एंड इनके पास 2 खतरनाक शेर भी हैं. ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्निफ फेयर. मतलब आपको देखेंगे कि कोई आप गलत एक्टिविटी ऐसा वैसा कुछ ना करें. अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैफे इन काजा. सो आई विल शो यू द टेल यू द डिटेल्स द नेम ऑफ द दिस कैफे इन द डिस्क्रिप्शन. सो टिल द टाइम लेट अस डिसाइड व्हाट वी हैव टू ईट. एंड चुकंदर का हलवा हमने ऑर्डर किया था, और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा है, गजब टेस्ट है. मैंने पहली बार खाया लाइफ में, अमेजिंग बीट. मतलब एक तो चुकंदर में नेचुरल शुगर होती है थोड़ी सी, और उसका फ्लेवर है. भाई को पूछते हैं, अरे बोलो कुछ भाई. मैंने पहले लाइफ में पहली बार खाया. एबीसी का खा गया, कुछ तो बोल दो. मेरे लाइफ में पहली बार खाया और बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है. पूरा टक्कर दे आए गाजर के हलवे को. ये मेरा डायलॉग कॉपी मार दिया भाई ने. डेज और जस्ट मार्क दिस लोकेशन, डेज और आप आए. अगर आपने अच्छा फूड खाना है, 10 नवंबर के बाद बंद हो जाते हैं टिल 15 अप्रैल, उसके बाद ये इन वर्किंग होते हैं. बट अमेजिंग फूड एंड अमेजिंग एवरीथिंग, मतलब वर्थ वर्थ. 10 o'clock ऑलमोस्ट, और सब कुछ यहाँ बंद हो चुका है. तो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं अपना GoPro माउंट ट्राइपॉड पे लगा के कोशिश करूँगा अभी स्टारलाइट ट्रेल शॉट लेने की. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो वी आर ऑल पैक ऑलरेडी. 7:30 बज चुके हैं. अभी काजा टाउन में तो धूप नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, बट ऑपोजिट साइड जो हिल्स और परे को है, मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ बिल्कुल धूप पड़ चुकी है इस तरफ. और अभी मून भी जो है बिल्कुल अभी ऊपर ही है एक तरह से. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. तो आज सनराइज शॉट नहीं ले पाए, क्योंकि सन जो है इस तरफ है, इस डायरेक्शन से राइज होगा. तो प्रोबेबली जब तक हम काजा टाउन से क्रॉस नहीं कर जाते हैं पीछे को, तब तक जो है सनराइज का व्यू नहीं आ पाएगा. और टेम्परेचर ठीक है, अभी थोड़ा हल्का सा ठंड है. रात को सोने के लिए बहुत कंफर्टेबल था, कोजी था. खाने वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पर, जो हमने डेजोर में जो है अपना डिनर वगैरह किया था. नाउ वी आर टेकिंग यू टू पिन वैली. पिन वैली बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है, बिकॉज वहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनका जो एक कलर है वो जैसे ब्लैकिश भी नहीं है, वो डेस्टेड कलर भी नहीं है, ब्राउनिश कलर के हैं. और वहाँ पर फ्लावर्स बहुत अलग अलग तरह के हैं. सो आज हमने जा रहे हैं पिन वैली का लास्ट डे जो है मुद, तो मुद जाके हम जो एक्सप्लोर करेंगे. हालांकि पिन वैली मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. काजा मैं 4th टाइम आ चुका हूँ, और इससे पहले के मैंने वीडियोज़ जितने भी मैंने डाले हैं इस पीटी टूर के, तो उसमें मैंने जितना हो सकता अपना एक्सपीरियंस, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं यहाँ स्टे करने का एक्सपीरियंस, आप गाड़ी में आ रहे हैं, फूड कहाँ मिलेगा कैसा है, वो सब मैंने आपको ब्रीफ किया है. और इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत फ्लैशबैक हिस्ट्री भी बताई है. सो आई होप यू मस्ट वॉच ऑल दिस वीडियोज़ एंड डू अप्रिशिएट इफ़ यू फाइंड गुड गुड इन द वीडियोज़. हम जो है चेतन जी का शुक्रिया अदा करेंगे जिनके पास हम रुके थे आज. ठीक है सर. तो ये यहाँ पर पूरा फुली वॉच एंड वार्ड करते हैं इस पूरे रास्ता उसका. देखिए कितनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है इस कैंपस में. तो चेतन जी, जैसे कोई गेस्ट बिना बुकिंग के आता है कोई देर रात को, तो उसको भी कर रहे थे जो बात करके? रात को जो लेट आए तो हम साहब से मिला देते ना. अच्छा, फोन नंबर, फोन पे फोन नंबर है साहब का.
बाकी अगर कोई जैसे गवर्नमेंट ने बंद एम्प्लॉय है उसका 500 रुपए चार्जेस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसका भी 500 है? उसका 500 फिक्स कर दिया अभी सरकार ने ना। ये रेस्ट हाउस है जी बिल्कुल सामने, और इसके सामने डेज और कैफे है, बहुत अच्छा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी इन काजा। ठीक है चेतन जी, शुक्रिया। ठीक है सर, शुक्रिया। लेट्स टेक यू टू काजा मार्केट नाउ। गाइस कैसा रहा आपका रात का, नींद वगैरह बढ़िया आई? कुछ बोलिए प्रभु, मौन व्रत है आज? मौन व्रत ठंड है, अभी सुबह सुबह है, पहले तो बोल रहे थे नहीं है। अक्षय जी कैसा रहा आपका रात का? बहुत बढ़िया। स्लीप सब कंफर्टेबल था? बढ़िया था जी। चलो बहुत अच्छी बात है। और डिनर वगैरह सब फैसिलिटी कैसी थी? बहुत बढ़िया था। डेजोर में ये काजा की सुनसान गलियाँ, सुबह सुबह खाली गलियों में कुत्ते शेर सारे बंदे बिस्तर पर ढेर, क्या बात। ये हमारा जल शक्ति विभाग का रेस्ट हाउस और ये है स्टोर, सारी कॉलोनी है जो जल शक्ति विभाग की है। दिस इज एसपीएन ऑफिस रेजिडेंस। भाई काजा में पेट्रोल पंप 9 बजे के बाद खुलता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अभी इनक्लियर बता देता हूँ आपको, फ्यूल यहाँ पर दो ही रास्तों से आता है, एक मनाली से आता है वाया चंद्रताल कुंजुम पास हो के, और एक आता है किन्नौर होके। किन्नौर रोड में आजकल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, बंद है जगह जगह, तो हो सकता है कि आपको जो है यहाँ फ्यूल ना मिले। और बेटर जब भी काजा पहुँचो सबसे पहले रिफिल करो गाड़ी, क्योंकि हमने कल पीन वैली जाना था पहले, बट हमारे पास फ्यूल का रिस्क था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो दिस इज काजा मार्केट। भाई काजा रामपुर बस भी खड़ी है, ऑलमोस्ट फिर उतना मुझे 8 बजे निकल चुकी है यहाँ से। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट थोड़ा लगेगा टाइम, चाय पानी पी के हम लोग निकल रहे हैं। स्वीट शॉप है ये संजू स्वीट कॉर्नर, और इस दुकान को देख के जो है सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, ये सबके चेहरे पे खुशी लाती है दुकान, कईयों के दिल खिल जाते हैं इस दुकान को देख के। देखिए दर्शन कराते हैं आपको। हेलो भाई लोग, मेरे कुल्लू भाई सबकी पसंद का सारा माल रखा है। आप लोग कहाँ से भाई जी? बिलासपुर आप बट्टी मंडी पड़ोसी है सारे, बिलासपुर मंडी कुल्लू। ठीक है भाई जी, ओके। शॉप में घुसे अभी हम, ये यहाँ पर जो सारा स्पीति जैसे टर्म में पहनने वाला आपको पूरा इनके पास स्टफ मिलेगा। मैं शॉप का नेम दिखा देता हूँ आपको, स्पीति वियर्स। ये बिल्कुल ही जो कैफे मैंने दिखाया स्टेट बैंक के बिल्कुल अपोजिट है, गली जाती है, और इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है। प्रॉपरली इन्होंने डिस्प्ले और स्टैक जो किया है पूरा कस्टमाइज किया हुआ, जैसे किड सेक्शन अलग है, जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है, दे हैव एवरीथिंग यू नीड इन स्पीति। मजे की बात है कि जो प्राइस आपको हर मार्केट में मिलता है उसी प्राइस पे यहाँ पर है। 3 बिग सेल 3 पेयर्स 100 रुपीज में 3 सॉक्स का पेयर, भाई और क्या चाहिए। स्पीति में आपको ये मिल रहा है, लोअर्स देखिए कितने अच्छे 20% ऑफ पे है, और अच्छा है बिल्कुल कार्गो टाइप स्टफ, ट्रेवल करने के लिए कम्फर्टेबल है, और विंटर वेयर का अच्छा कलेक्शन, इनका विंटर कलेक्शन रहता है मैक्सिमम आपके पास स्पीति का, स्पीति टर्म में। और ये थोड़ा ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो प्राइस वगैरह आप डिस्काउंट वगैरह भी दे देते हैं? कपड़े में आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन किसी किसी में है किसी में नहीं है ना। ठीक है। और ये जो क्रॉकरी आपकी है ये वाला सारे फिक्स प्राइसेस वाले? अच्छा, मतलब बल्क परचेज में थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। हां, बट बहुत अच्छी कलेक्शन है इनकी। आई बॉट दिस फ्रॉम माय किड, सो आई बॉट दिस वन फॉर माय वाइफ, दिस वन फॉर माय किड, एंड ये पोंचो टाइप है, अच्छा स्टफ है, डबल पॉकेट, ये 20% डिस्काउंट भी दिया इन्होंने हमें, और ऑल ओवर ये तीनों चीज़ें मुझे जो है 1600 में पड़ी हैं, तो वर्थ है, बहुत अच्छा है विंटर के अकॉर्डिंग ये स्टफ सारा। पोंचू ये है, दिस इज़ अ गुड थिंग, मेरे को अच्छा लगा, रेगुलर पहना जा सकता है, और इसमें फ्रंट में 2 पॉकेट्स भी हैं। भाई लोगों ने ये लिया जैकेट एक, बस अब ब्रेकफास्ट करके जो है आपको ब्रेकफास्ट का जायका बताएंगे। बार बार बोल रहा हूँ पिन वैली पर पिन वैली लेके जाएंगे, फिर से बोल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के चक्कर में जो है शॉपिंग कर ली हमने, चलो ठीक है बढ़िया, काजा से कुछ यादें लेके जा रहे हैं हम। इंतज़ार ख़त्म होते हुए भाई लोग, हेलो भैया, हेलो भाई साहब, हाँ जिस ब्रेकफास्ट का इंतज़ार था भाई, काजा में फीलिंग दे रहा है पंजाब वाली, चने भटूरे भाई साहब क्या बात है, वाह। तो कितने बजे तक रहता है सर आपका ये सुबह? जैसे 9 बजे से लेके सुबह जी आजकल 8:30 बजे से शुरू होता है जी, और 1 बजे तक 1 बजे तक ना जी जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लंच वगैरह भी बनाते हैं आप? खाना टाइप की ब्रेकफास्ट ही होता है? नहीं, हमारे पास प्योर वेज होता है, प्योर वेज लंच वगैरह ऊपर है हमारा, आपका ही कैफे ऊपर। ठीक, बहुत बढ़िया जी। अब हम ट्राई करते हैं इनका ब्रेकफास्ट और आपको देते हैं रिव्यू। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया पूरियाँ देख के,
हो हमारा ब्रेकफास्ट पहुँच चुका है, बहुत ही मज़ेदार है बिल्कुल, मतलब ऑयल भी ज़्यादा नहीं है पूरियों में और चने भी बहुत अच्छे बने हैं सिंपल। देखिए कैसा है, देखिए ठीक है खाना, कैसा ब्रेकफास्ट रखिए, डिलीशियस मज़ेदार वाकई में मस्त ट्राई आइटम है। जब भी आप आएँ काजा तो ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें अगर आप शौकीन हैं खाने के। बाय बाय।